एक तो सबसे पहले मैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जिन्होंने कोविड का मुकाबला करते हुए अपनी जिंदगी दी है, और उन लोगों को जो इस महामारी का कोविड के महामारी का शिकार हुए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी पार्टी में बड़ी गलत फहमियाँ जो हैं वो फैलाई जा रही हैं, और उन गलत फहमियों को आगे बढ़ाने में कुछ ऐसे लोगों का हाथ है जिन्होंने 72 साल कश्मीरियों की दलाली की है, और वो कांग्रेस के लोग जिस ढंग से इस पूरे इशू को लेकर कोई CBI की इंक्वायरी की बात कर रहा है, कोई ये बातें कर रहा है, मैं समझता हूँ कि हमारे जो मंत्री जो कि यूनियन कैबिनेट में बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में बैठे हुए, PMO ऑफिस में बैठे, वो बहुत बखूबी से बहुत अच्छे ढंग से ये कार्य कर रहे हैं, और इस उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए उनको बदनाम करने में लगे हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें उन लोगों की हरकतों को समझना होगा। मैं विक्रम दावा जो कि जिसको कि मैं एक बड़ा छोटा सा हमारा कार्यकर्ता भी है, मेरा छोटा भतीजा है, मेरे भाई का लड़का है वो, क्योंकि चौधरी प्यारा सिंह जी जो उसके फादर हैं और मैंने इकट्ठा काम किया हुआ है, मैं समझता हूँ कि वो बेचारा इमोशनल होकर कुछ ऐसी बात कर गया है जो कि उसको वो बात कहनी नहीं चाहिए थी। मैं उसने जो कहा है उसकी उस उन बातों को डिसअप्रूव करता हूँ, और ये जरूर कहना चाहूँगा पार्टी को कि आप समन्वय से जो काम चलता है उसको आगे बढ़ाने का काम हमारी पार्टी करे, क्योंकि इस पार्टी में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो कल आए हैं पार्टी में, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, कभी कांग्रेस में थे, कभी शिवसेना में थे, और उन लोगों का ये एक धंधा बन गया है, उन लोगों का एक ये काम बन गया है कि BJP की लीडरशिप को कैसे बदनाम किया जाए। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि हमने बड़ी मुश्किल से ये पार्टी बनाई, ये पार्टी पंडित प्रेमनाथ डोगरा की पार्टी है, ये पार्टी स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर शहीद की पार्टी है, ये पार्टी पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा जो हमारे वाणी रहे हैं जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के, ये पार्टी उन लोगों के द्वारा बनाई गई है। मैं नहीं चाहता कि इस पार्टी को मैं डूबते हुए देखूं। कुछ लोग इसको डुबोने की कोशिश कर रहे हैं, उनका प्रयास जो है उसको हम सफल नहीं होने देंगे, और मैं ज़रूर कहूँगा कि हमको मिलके काम करना है,
सबको लेकर आगे चलना है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम वो लोग ये समझे कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। और जहाँ तक ये जो कोरोना का प्रकोप चल रहा है, हम सब को इस लड़ाई को, कोरोना की लड़ाई को इकट्ठे मिलकर लड़ना है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहूँगा, और ख़ासकर उन लोगों से जो कि अलूल जुलूल की बातें कर रहे हैं, कि जाकर उन डॉक्टरों का, उन फ्रंट वॉरियर्स का, नर्सों का, उन पुलिस के लोगों का, उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए वहां पर जाएं और उनके साथ बैठकर इस काम को आगे बढ़ाएं। मैं इतना ही कहता हुआ फिर एक बार ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो मंत्री पीएमओ सेक्रेटरीट में बैठे हुए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वो बहुत अच्छे ढंग से ये इस काम को आगे कर रहे हैं। और दिल्ली में जो अपना वो रोल प्ले कर रहे हैं, उस रोल को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबको इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो हमारा SMGS हॉस्पिटल है, जो हमारा GMC है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के डॉक्टरों के साथ मिलकर, वहाँ के नर्सों के साथ मिलकर, वहाँ के सफाई कर्मचारियों का, जिस ढंग से सफाई कर्मचारी इन आर्ट परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। इतना ही कहता हुआ जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। सर, आप LG सरकार से कोई कुछ अपील करना चाहेंगे कि जिस तरह से आज प्रेस वार्ता की गई है बीजेपी ऑफिस में, वहाँ पर साफ तौर पे कहा गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम नहीं कर रही है। LG साहब को उन्होंने अपील की है कि जो आपने चार लोगों की कमेटी बनाई है, वो लोग किसी का भी फोन नहीं उठाते। इस समय हालात इतने बदतर होते चले जा रहे हैं, ऑक्सीजन की इतनी प्रॉब्लम है, उसके लिए आप LG सरकार को क्या कहना चाहेंगे? एक तो मैं इस सरकार का कोई अधिकृत स्पोक्स पर्सन नहीं, और जो कमेटी बनाई है वो LG ने भारत सरकार से सलाह मशवरा करके बनाई होगी। मैं भारत सरकार का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरे परम आदरणीय नेता, सबसे बड़े पीर और फकीर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, मैं परम आदरणीय मोदी जी के साथ हूँ, उनके हाथ मजबूत रहें और मोदी जी आगे बढ़ाएं BJP को तो फिर ठीक रहेगा, नहीं तो कुछ ऐसी राष्ट्रद्रोही ताकतें आगे आ गई हैं जो 74 साल तक जम्मू कश्मीर को लूटती रही हैं। आज वो कहते हैं मोदी जी को, हिसाब दे ओए, ये हिसाब मांग रहे हैं कांग्रेस के लोग और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, और वो लोग